बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और परसों मकर संक्रांति भी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, बाबा को खिचड़ी चढ़ाएंगे। हजारों वर्षों से परंपरा चली आ रही है, गरीब अमीर का भेद समाप्त करते हुए, किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त सभी लोग जाकर के बाबा के चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं, एक मुट्ठी खिचड़ी चढ़ा करके बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये लोक परंपरा, ये संस्कृति ही विपरीत परिस्थितियों में भारत को भारत बनाए रखी। आप देखिए ना कैसे हमारे पर्व और त्योहार हैं। परिवार में हो सकता है कि बच्चे को ना बताया जाता हो अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी परंपरा के बारे में। स्कूल कॉलेजेज में हो सकता है वो छूट जाता होगा, लेकिन जो व्यक्ति इन सबसे भी वंचित रहता है उसके लिए पर्व और त्योहार सबसे सशक्त माध्यम बन जाते हैं। दीपावली में कुछ हो ना हो लेकिन व्यक्ति अपने घर की लिपाई पुताई करता है और शाम को कुछ दीप जरूर घर में जला लेता है। होली के अवसर पर रंगाई पुताई करने के बाद रंगों की होली खेल करके वह आपस में गले मिल लेता है। जन्माष्टमी हो या शिवरात्रि या रामनवमी, उस अवसर पर भी वह अपने इष्ट देवताओं को स्मरण कर लेता है और उनके प्रति नमन कर लेता है, व्रत रख लेता है, अनुष्ठान कर लेता है। रक्षाबंधन के अवसर पर भाई बहन के पवित्र बंधन को भी इन संबंधों के माध्यम से जोड़ लेता है। यानी हर पर्व और त्योहार एक नया संदेश दे देता है हमें, ऐसे ही महोत्सव भी एक संदेश देने का वाहक होना चाहिए। हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रहा है। बाबा गोरखनाथ ने अपनी साधना स्थली के लिए गोरखपुर को चुना। भगवान बुद्ध ने उनकी जन्मस्थली यहीं से 90 किलोमीटर की दूरी पे लुम्बिनी में, और महापरिनिर्वाण उन्होंने गोरखपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पे उसी नगर में लिया। संत कबीर दास जी का जन्म काशी में हुआ लेकिन अंतिम समय में वे मगहर में आ गए। गोरखपुर से अयोध्या की दूरी कितनी, आज के समय में 1.5 घंटे में आप अयोध्या पहुंच सकते हैं। गोरखपुर से काशी की दूरी कितनी, मात्र 2 से 2.5 घंटे में आप काशी पहुंच सकते हैं। यानी सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से इतना समृद्ध है यह क्षेत्र और उतना ही प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर। दुनिया में हो सकता है जल की कमी हो लेकिन यहां पे जल की प्रचुरता है और मीठा जल है, भूमि अत्यंत समृद्ध है, हर ओर से संपन्न यह क्षेत्र। इसके बारे में हम सबको भी एहसास होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को एहसास होना चाहिए। पलायन की बजाय वहां संघर्ष की प्रवृत्ति पैदा की जानी चाहिए। परिश्रम और पुरुषार्थ से हम कुछ अर्जित करें, इस प्रकार का भाव होना चाहिए। और इसलिए महोत्सव की इस परंपरा को हम लोगों ने गोरखपुर के महोत्सव के रूप में गोरखपुर में 2017-18 में प्रारंभ किया और बढ़ते बढ़ते कोरोना कालखंड में भी महोत्सव अनवरत चलता रहा। झंझावतों का सामना करते हुए भी इसने अपनी गति को थमने नहीं दी है, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके कोरोना को मात देते हुए भी यह महोत्सव सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते, मैं कल भी और परसों भी देख रहा था यहां के कार्यक्रमों को। वैसे तो रवि किशन को दिन में ठंड लगता है लेकिन देख रहा था 12 बजे भी यहां पे वह यहां की जनता के साथ झूमते हुए दिखाई दे रहे थे और हजारों की संख्या में लोग थे। अगर उनको दिन में हम बोलते हैं कि चलिए फलानी जगह कोई कार्यक्रम होना है, वो कहते हैं बहुत शीतलहरी है, ठंडी नहीं है क्या। लेकिन मैं देख रहा था कि रात 12:30 बजे भी वे यहां पे मंचों पे अपने मंचन के माध्यम से कार्यक्रम रहे थे।
जनता का उत्साहवर्धन कर रहे थे, उनका मनोरंजन भी कर रहे थे और साथ साथ ज्ञानवर्धन भी कर रहे थे। भारत की यही विशेषता है, वो अपनी लोक परंपरा और लोक संस्कृति को सदैव प्राथमिकता दी है और इसने हमारे इतिहास को भी सजोया है, इसने हमें हजारों वर्षों की विरासत को साथ में दिया है। उन सबको सजाने का भी एक अवसर हमारे पास होता है। अब याद करिए, दुनिया में तमाम सभ्यता और संस्कृतियां समाप्त हो गई, वहां पे नए लोग आ गए, नए तरीके से, लोग वही है, पीढ़ी वही है, आने वाली पीढ़ी भूल गई कौन थे उनके पूर्वज। लेकिन भारत के अंदर आज भी, दुनिया के अंदर इतनी प्राचीन किसी की संस्कृति नहीं होगी, कोई नहीं दुनिया के अंदर बोल सकता जितना हम कह सकते हैं। अभी 22 जनवरी को अयोध्या में हम सब जाएंगे, अयोध्या में रहेंगे, अयोध्या में हजारों वर्ष पहले भगवान राम का प्रकटीकरण, उनका अवतार अयोध्या में हुआ था हजारों वर्ष पहले। लेकिन हजारों वर्ष की परंपरा को आज भी हर भारतवासी अपने मन में समेट करके रामनवमी के आयोजन के साथ जुड़ता है। यह है भारत। हजारों वर्षों के बाद भी, मैं गत वर्ष देख रहा था अयोध्या में 2023 में रामनवमी के दिन 35 लाख लोग अयोध्या आए थे, 35 लाख लोग। और ये तब आए थे जब अयोध्या में तब रेल की सेवा भी अच्छी नहीं थी, एयरपोर्ट भी नहीं था और सड़क तो हम निर्माणाधीन स्थिति में लेकर के आए थे, सब कुछ उधड़ा हुआ था। और आज तो अयोध्या हर ओर से 4 लेन और 6 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ चुका है, रेलवे की डबल लाइन बिछ चुकी है, एयरपोर्ट एक समय में 8 विमान वहां लैंड कर सकते हैं, उनकी हमने पार्किंग की व्यवस्था वहां दे रखी है, यानी हर 5 मिनट में एक विमान उतर करके सवारी उतारे, फिर नई सवारी को भर करके आराम से जा सकता है और दिन भर या कार्य हो सकता है, रात्रि में भी विमान उतर सकते हैं और सुबह भी उतर सकते हैं, दिन में तो खैर विमान उतरते ही हैं एयरपोर्ट पे। ये सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा चुकी हैं। पहले वहां ठीक ढंग से धर्मशाला भी नहीं मिल पाता था, आज धर्मशालाएं भी हैं, अच्छे होटल भी हैं और वहां टेंट सिटी भी बसाई जा रही है, जैसे कुंभ के अवसर पर बसाई जाती है, जो श्रद्धालु आएगा उसके लिए कोई समस्या ना हो। अब याद करिए, हजारों वर्षों की विरासत को सजोने में इससे ज्यादा कमाल किसी और के पास नहीं होगा जो हमारे पास है, जो हिंदुस्तानियों के पास है, हम भारतवासियों के पास है कि हजारों वर्षों के बाद भी हम इस परंपरा के साथ जुड़े हैं। हमने उन जनजातियों का सामना किया, तो अयोध्या में प्रभु राम की पवित्र स्थल पर हमला करने की नियत से आए थे, उनको परास्त किया, उनको पद्दलित किया, उनका नामो निशान मिटा दिया और फिर भी सीना तान करके हम आज वहां पे भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साक्षी बन रहे हैं। और ये साक्षी हम सबको बनना है, कोई वहां पर लाइव देखेगा, कोई प्रत्यक्ष देखेगा और बाद में सभी लोगों को वहां जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। ऐसे श्री कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम होता है, 5000 वर्ष बाद हम उसी उत्साह के साथ, दुनिया के अंदर कौन लोग हैं तो अपने 5000 वर्षों पूर्व अपनी किसी परंपरा को इस आनंद और इस उत्साह के साथ भजते होंगे। रात को 12 बजे हर जनपद में, हर घर में, हर देव मंदिर में, और देव मंदिर ही नहीं हर थाना में भी श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का कार्यक्रम रात को 12 बजे हो, ये दुनिया के अंदर कहीं नहीं देखने को मिलता होगा। हर जेल में भी, यानी जेल भी जहां उत्सव का एक मंच बन जाता हो, वह उत्सव होता है श्री कृष्ण जन्मोत्सव का। और ये केवल भारत के अंदर हो सकता है, दुनिया के अंदर कहीं नहीं देखने को मिलेगा। शिवरात्रि का आयोजन भी ऐसे होता है, हजारों वर्षों की विरासत लेकर के चलने वाला भारतीय समाज ये महोत्सव के माध्यम से भी लोक परंपरा, लोक संस्कृति को सजो करके अपनी विरासत पर
गौरव की अनुभूति करके अपने भावी भविष्य की कार्य योजना को लेकर के बढ़ता है। और इसीलिए हमने थीम दी थी गोरखपुर महोत्सव के लिए, एक ऐसी थीम, कैसे गोरखपुर, गोरखपुर का नाम कैसे पड़ा, आज की पीढ़ी को बताया जाना चाहिए गोरखपुर के नाम के पीछे का ध्येय क्या, कैसे नामकरण इसका पड़ा होगा, कैसे गोरखपुर नाम हुआ, किन किन झंझावतों से जूझते हुए फिर विकास की इस यात्रा में कौन कौन इस पथिक में, इस यात्रा के पथिक बनते गए और कौन गोरखपुर के विकास को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाते गए, कैसे गोरखपुर आज आधुनिक रूप में आगे बढ़ता गया, क्या कुछ नयापन है, कौन कौन लोग हैं, आजादी की लड़ाई में किन महानायकों ने आजादी की लड़ाई को गोरखपुर से नेतृत्व देकर के उसे आगे बढ़ाने का काम किया, ये सब भी यहां देखने को मिला होगा। और आज के नए गोरखपुर में और उसकी भावी योजना को लेकर के भी, तब क्या था, आज क्या है और आगे हमें कहां लेकर के चलना है इस गोरखपुर को, इन सभी भावों को आज समेट करके हम गोरखपुर महोत्सव को एक नई ऊंचाई की तरफ लेके जा रहे हैं। और हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि गोरखपुर आज एक नया गोरखपुर है। और मैं धन्यवाद दूंगा गोरखपुर के सभी नागरिकों को जिन्होंने गोरखपुर के विकास की इस यात्रा में सदैव खड़े होकर के सकारात्मक भाव के साथ अपना योगदान किया है, नकारात्मकता कहीं नहीं आने दी, किसी भी स्तर पर नहीं आने दी। अक्सर होता है कि इस प्रकार के विकास की यात्रा में लोग छूट जाते हैं, विरोध करने लगते हैं, लोकल राजनीति हावी होने लगती है, संकीर्ण मानसिकता उसमें हावी होने लगती है, लेकिन गोरखपुर के वासियों ने कभी भी विकास के मार्ग में किसी प्रकार की बाधा और बैरियर को हटा करके विकास के कार्य को प्राथमिकता दी, वह आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो या भौतिक विकास का कार्य हो, कोई चीज उन्होंने बाधक नहीं हो, बाधा नहीं बनने दी। आज उसी का परिणाम है, एक नए गोरखपुर का दर्शन जो भी आता है, 5 साल के बाद जो भी गोरखपुर आया होगा वो कहता क्या यही गोरखपुर है क्या, भूल तो नहीं गए हैं, लेकिन आज ये वास्तविकता है गोरखपुर, यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, तो यहां पे उत्सव के लिए आपके लिए रामगढ़ ताल जैसा एक अच्छा टूरिज्म का स्पॉट भी आपके पास है, यहां स्वास्थ्य का अच्छा केंद्र गोरखपुर एम्स और बियाड़ी मेडिकल कॉलेज भी है, तो आयुष विश्वविद्यालय भी आपको यहां गोरखपुर में प्राप्त हुआ है, 4-4 विश्वविद्यालयों को लेकर के गोरखपुर आज चल रहा है, आने वाले समय में और भी नई संभावनाएं यहां गोरखपुर में आ रही हैं, कहीं पे औद्योगिक विकास की नई संभावनाएं जन्म ले रही हैं, नए नए उद्योग लग रहे हैं, नौजवानों के स्किलिंग का एक नया सेंटर स्थापित हो रहा है, तो कहीं स्वास्थ्य के एक नए हब के रूप में गोरखपुर को स्थापित करने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग मार्गों में, अलग अलग संभावनाएं जन्म लेकर के एक नए गोरखपुर के रूप में हम सबको आगे बढ़ा रहा है। और ये तब संभव हो पा रहा है जब पूरा गोरखपुर एक स्वर से आगे बढ़ करके किसी भी प्रकार की संकीर्णता से ऊपर उठ करके अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता है। अन्यथा भाइयों बहनों, गोरखपुर की स्थिति क्या हो गई थी, हमारी पहचान किस रूप में थी, बाहर जाते थे लोग संकित नजरों से देखते थे, कोई यहां भूल से आ गया तो दिन में तो माफिया परेशान करते थे, रात्रि को मच्छर परेशान करते थे, और जो बच गए तो इंसेफ्लाइटिस उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। आज देखिए माफिया भी समाप्त, मच्छर भी समाप्ति की ओर है और इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन हो चुका है। देखिए एक बड़ी उपलब्धि है कि इंसेफ्लाइटिस की बीमारी समाप्त हो गई, हमने 40 वर्षों में 50,000 बच्चों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा इसी गोरखपुर और इसी पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और आज हम कह सकते हैं इंसेफ्लाइटिस से
यहां पर कोई मौत अब नहीं होगी क्योंकि हमने उसको नियंत्रित कर दिया है। यानी यह हमारे प्रगति का मापक यह बनेगा। हम प्रमाण के साथ इस बात को कह रहे हैं, यह केवल घोषणा नहीं है, यह हकीकत है। और हकीकत ये, इंसेफ्लाइटिस यहां से समाप्त हो चुका है। अब यहां के बच्चों को डरने की आवश्यकता नहीं है। आज यहां विकास के लिए कार्य हो रहे हैं, कलाकारों के लिए भी मंच मिल रहे हैं, हमारे हस्तशिल्पियों के लिए भी मंच मिल रहे हैं, कारीगरों के प्रोत्साहन के लिए भी केंद्र और राज्य की सरकारों के द्वारा नए नए प्रोत्साहन के साथ साथ स्थानीय स्तर पर भी उन्हें प्रोत्साहन के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो रहे हैं। और ये महोत्सव के कार्यक्रम इसी क्रम में आगे बढ़ने चाहिए। इसी गति के साथ हमें उसे आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। ये केवल सरकार का काम नहीं, ये सरकारी आयोजन मात्र नहीं होने चाहिए। मेरा हमेशा मानना रहा है, समाज को आगे आना चाहिए। समाज आगे रहेगा, सरकार पीछे रहेगी तो प्रगति होगी। जब सरकार आगे रहेगी, समाज पीछे रहेगा तो दुर्गति होगी। हमें दुर्गति नहीं, प्रगति की ओर अग्रसर होना है। और समाज को आगे करके हमेशा समाज नेतृत्व ले, और समाज के नेतृत्व में हम पीछे चल करके उसको सपोर्ट करें। आत्मनिर्भर व्यवस्था ही स्वावलंबन का आधार बनेगा, और स्वावलंबन और स्वावलंबी समाज ही समृद्धि का आधार बन सकता है। इस दिशा में एक नई प्रगति की ओर हम सबको आगे बढ़ना है। परसों मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के बाद, मकर संक्रांति के अवसर पर कल हमारा दायित्व होना चाहिए कि कल से लेकर के और लगातार 21 जनवरी तक हम स्वच्छता के एक अभियान के साथ जुड़े। प्लास्टिक मुक्त गोरखपुर, प्लास्टिक सड़क पे नहीं, पार्क में नहीं, खाली प्लॉट में नहीं, किसी नाले में नहीं, किसी अन्य जगह नहीं, हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। कोई कूड़ा नहीं कहीं दिखाई देगा। जैसे दीपावली के अवसर पर या घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है, हम घर की साफ सफाई करते हैं, ऐसे ही मकर संक्रांति के लिए कल करिए, और 22 जनवरी के लिए फिर मकर संक्रांति के बाद से लग जाइए अभी से। 16 जनवरी के लिए, 16 जनवरी से अभी से हम तैयारी करें। हर देव मंदिर में और परिवार के लोग हर घर में राम नाम संकीर्तन का पाठ करें। हमारे यहां कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो हम लोग पहले से अखंड रामायण का पाठ करते हैं। राम नाम संकीर्तन का सभी परिवार के लोग, गांव के लोग, मोहल्ले के लोग मिलकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। और हम लोगों को भी प्रभु के नाम का स्मरण करना चाहिए। 22 जनवरी के कार्यक्रम में प्रातः काल घर में साफ सफाई, पूजा पाठ करने के बाद जैसे ही अयोध्या का कार्यक्रम आए उसको हम अपने घरों में देखें, देव मंदिरों में स्क्रीन लगा करके उसका लाइव प्रसारण देखें, उस दृश्य के साक्षी बने। सैकड़ों वर्षों के बाद यह दिन आया है और हजारों वर्षों के लिए आने जा रहा है। याद करिए, सैकड़ों वर्षों के बाद आया है, 500 वर्षों के बाद कितनी पीढ़ियों ने संघर्ष किया, बहुत सारी पीढ़ियां संघर्ष करते करते चली गई, लेकिन यह दिन नहीं देख पाए। आप सब सौभाग्यशाली, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम अपनी आंखों से इस दृश्य को देख रहे हैं, प्रभु की लीला का अपने सामने अवतरण देख रहे हैं, और उस दृश्य के हम सब साक्षी बने, यह सबसे महत्वपूर्ण है। और उस कार्यक्रम में हम प्रत्यक्ष वहां बाद में जाएंगे, लेकिन लाइव प्रसारण उसको देखें अपनी आंखों से, क्योंकि आप प्रत्यक्ष के जो वहां बैठेंगे वहां पे भी उसी रूप में आप देखेंगे, और अपने स्क्रीन में, टेलीविजन की स्क्रीन में या देव किसी मंदिर के स्क्रीन में आप उसको देखिए। जब एक कार्यक्रम संपन्न हो फिर मंदिर में पूजा करिए और प्रसाद वितरण करिए, कंबल और गरीबों को ऊनी वस्त्र वितरण करिए, सायंकाल अपने घर में देव मंदिरों में दीपोत्सव का आयोजन करिए, हो सके तो दीप कुछ आतिशबाजी भी करिए, ग्रीव आतिशबाजी करिए,
जिससे पॉल्यूशन न हो, प्रदूषण न हो। डिजिटल आतिशबाजी करिए, ये कार्यक्रम हमारा चलना चाहिए 22 तक। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना का दिवस है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नामकरण हुआ था। पहले संयुक्त प्रांत था आगरा और अवध के नाम पे। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को इसका नोटिफिकेशन होने के बाद यह कार्यक्रम आगे बढ़ता है और यह उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस का कार्यक्रम। हम कुछ नई योजनाओं के साथ इस दिन आते हैं और इस कार्यक्रम को करने के साथ ही फिर गणतंत्र दिवस भारत के नागरिकों को संविधान के प्रति अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने का दिन। हमने संविधान अंगीकार किया लेकिन हमारी ड्यूटी क्या है ये भी तो हमें देखना है। इतना बड़ा देश, इस देश के प्रति, इस देश के संविधान के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है, एक नागरिक कर्तव्य क्या है, इसको देखने का एक अवसर। हर भारतवासी इस अभियान के साथ अगर जुड़ता है, हम सब उत्तर प्रदेशवासी, हम सब गोरखपुरवासी अगर इन सब अभियानों के साथ जुड़ते हैं तो बहनों और भाइयों कोई कारण नहीं कि आने वाला समय हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए और भी मंगलमय होगा, समृद्धिशाली होगा, खुशहाली भरा होगा। और इसी के लिए हम लोग महोत्सव के इस आयोजन के साथ जुड़ते हैं। गोरखपुर का यह महोत्सव, मैं धन्यवाद दूंगा कि यहाँ के सांसद श्री रवि किशन जी ने इसमें विशेष रुचि ली और इस कार्यक्रम के साथ वे जुड़े रहे, मंचों के साथ जुड़े रहे, देर रात्रि तक जुड़े रहे और फिर हर कार्यक्रम में भी सहभागी बने। और आज ये अपने समापन की ओर है। हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। महोत्सव आयोजन समिति को धन्यवाद देते हुए आप सबका मैं आह्वान करूंगा।